बता देंगे आपको कि कार्ड्स के अंदर प्रोबेबिलिटी किस तरह से रहती है, किस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। वो 52 डेक ऑफ कार्ड्स जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, ताश के पत्ते जिनको हम बोलते हैं, 52 डेक ऑफ कार्ड्स, उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, कि हमारे पास टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 52 कार्ड्स, ठीक है, ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स में हमारे पास चार डिफरेंट तरह के कार्ड्स पाए जाते हैं। चार डिफरेंट तरीके से मतलब चार टाइप्स हैं, उन 52 पत्तों में भी चार टाइप्स हैं। टाइप कितने? चार। तो पहला टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्पेड, क्या बोलते हैं? स्पेड। दूसरे को हम बोलते हैं हार्ट, क्या बोलते हैं? हार्ट। तीसरे को हम बोलते हैं क्लब, और चौथे को हम बोलते हैं डायमंड, ठीक है। अब उसमें भी स्पेड जो हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं काला पान, हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसको? काला पान, ठीक है, पान जैसा दिखता है काला पान। और इसको हम बोलते हैं लाल पान, ये लाल होता है और दिल जैसा दिखता है, लेकिन हम उसको लाल पान हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। क्लब को हम बोलते हैं चिड़ी, क्या कहा जाता है? चिड़ी। और डायमंड को हम बोलते हैं ईंट, क्या बोलते हैं हिंदी में? ईंट, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखने वाली है कि चिड़ी और जो काला पान होता है वो कलर होता है इनका ब्लैक। किस कलर के होते हैं ये? ब्लैक। और लाल पान और ईंट जो होता है वो रेड कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हर पत्तों, मतलब अगर हम बात करें स्पेड, फिर इसके बाद हम बात करें हार्ट, फिर हम बात करें क्लब, और फिर हम बात करें डायमंड, तो इन सभी में डिफरेंट डिफरेंट 13 पत्ते होते हैं। तुम्हारे भी है प्रोबेबिलिटी ना, सीख लो, जब काम की चीज है तो देख लो। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कितने होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं। वो 13 कार्ड्स कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है एस, क्या होता है? एस। फिर आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैक, क्वीन और किंग। ये इसके 13 पत्ते होंगे, स्पेड ऑफ एस, स्पेड ऑफ टू या टू ऑफ स्पेड, थ्री ऑफ स्पेड, फोर ऑफ स्पेड, फाइव ऑफ स्पेड, सिक्स ऑफ स्पेड, जैक ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ स्पेड, किंग ऑफ स्पेड, जिसको हिंदी में कहा जाता है इक्का दुक्का तिया चुक्का पंजा छक्का सुत्ता अट्ठा नहला देहला गुलाम बेगम बादशाह, हिंदी में। ऐसे ही हार्ट का भी क्या होगा? एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैक, क्वीन, और ये हो जाएगा इसका आखिरी हो जाएगा किंग। अगेन क्लब का भी सेम ही होगा। तो बात करें तो एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैक, किंग, जैक, क्वीन और किंग। ऐसे ही हमारे पास डायमंड का भी क्या होगा? एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैक, क्वीन, किंग। तो इस तरह से हमारे पास चार डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के कार्ड्स के 13 अलग अलग पत्ते होते हैं। तो ऐसे हमको मिलते हैं टोटल 13 + 13 + 13 + 13 + 13 = 52 कार्ड्स। तो इसको हम बोलते हैं 52 कार्ड का डेक, यानी डेक ऑफ वेल शफल्ड 52 कार्ड, वेल शफल्ड 52 कार्ड्स, ठीक है।
इतना समझ में आया? ठीक है, 52 कार्ड्स हो गए। अब मैं पूछूं तो इसमें देखो, ध्यान से देखना, ये वाले जो भी पत्ते होते हैं इतने, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, इनको बोलते हैं नो फेस कार्ड। ये नॉर्मल कार्ड होते हैं, इनका कोई भी फेस नहीं होता, लेकिन जैक क्वीन किंग का फेस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। ठीक है, तो अगर सवाल पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि एक वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड में या एक डेक ऑफ कार्ड में कितने फेस कार्ड होंगे? कितने फेस कार्ड होंगे? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल फेस कार्ड जो होंगे वो 12 कार्ड होंगे, और नॉन फेस कार्ड कितने होंगे? 30, है ना? सही है, कितने होंगे? 40 होंगे ना यार, बोल दिया पुनीत सर ने तो सही है क्या? सब कुछ सो रहे हो क्या? 40 कार्ड्स होंगे ना भाई, 52 में से 12 हटा दो तो बचे हुए नॉन फेस कार्ड है, 12 फेस कार्ड थे तो बचे हुए कितने हो गए? नॉन फेस कार्ड। चलिए अब सवाल पूछते हैं, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, one card is drawn randomly. Find the probability of getting। तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो आता है फेस कार्ड आने की संभावना बता दो। दूसरा सवाल है a card less than 10। तीसरा a jack। चौथा a black ace। पांचवा a queen। छठा a red queen, या काम करते हैं a red king। इसके बाद a card greater than 9। अब ये निकालनी है प्रोबेबिलिटी, सारे सवाल हो जाएंगे इसमें, और कोई सवाल बचा है तो देख लेता हूं मैं, सारे सवाल हो जाएंगे। अ किंग ऑफ रेड कलर, अ फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, हाँ चलो कर लो, तो अ रेड फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, फिर अ फेस कार्ड, नहीं फेस कार्ड तो हो गया ना, अ रेड कार्ड, अ रेड कार्ड के बाद आ गया एंड अ स्पेड, अ कार्ड ऑफ स्पेड, अ कार्ड ऑफ क्लब्स कर लो, ये अ कार्ड ऑफ क्लब, और अ क्वीन ऑफ डायमंड, अ क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन का प्रोबेबिलिटी। चलो ये सारे सवाल जो है ना बेटा,
इस सारे सवाल बहुत आसान है। अब तुमको दिमाग में रखना है तो रखना है वही प्रोबेबिलिटी का सेम सवाल का आंसर कि भाई व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट टोटल फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। इस कार्ड इसमें ऐसे ही करने का है प्रोबेबिलिटी, तो कैसा हुआ हो? टोटल कार्ड कितने हैं? हमारा आंसर हमेशा 52 में से ही आएगा। अब मुझे सवाल बताओ कि अब फेस कार्ड कितने फेस कार्ड हैं? 12। तो 12 अपॉन 52 की प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी? फेस कार्ड आने की। चलो नेक्स्ट, अ कार्ड लेस देन 10, तो लेस देन 10 कितने कार्ड्स हैं? तो 10 से नीचे, यहां से सबको ऐड करो यहां तक, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 4 32, तो 32 ऐसे कार्ड हैं जो लेस देन 10 है। तो 32 अपॉन 52, अब सॉल्व करते रहना तुम आसानी से, तुमको सॉल्व। सी अ जैक, कितने जैक हैं? 4, 1, 2, 3, 4, तो 4 जैक आने की संभावना मतलब 4 अपॉन 52। फिर डी A black ace, तो भैया ये स्पेड भी काला होता है, क्लब भी काला होता है, दो ब्लैक का एस होंगे, ठीक है, तो 2 अपॉन 52। ई अ रेड किंग, तो भाई कोई दो ही रेड किंग होंगे, तो 2 अपॉन 52। ई के बाद अ क्वीन, ई जो है वो है अ क्वीन, क्वीन आने की संभावना कितनी होगी? 4, तो 4 अपॉन 52। एफ होगा रेड किंग, तो होगा 2 अपॉन 52। फिर अ कार्ड ग्रेटर देन 9, अ कार्ड ग्रेटर देन 9, तो 9 से बड़े सारे पत्ते देखो ये रहे, 1, 2, 3, 4, 5, एस भी तो बड़ा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 4 20, तो 20 ऐसे कार्ड हैं जो 9 से बड़े हैं। तो F के बाद G, G का आंसर आएगा कितने? 20 अपॉन 52। फिर सॉल्व करते रहना इसको। H, a red face card, तो सबसे पहले फेस कार्ड देख लेते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो भाई आधे रेड होंगे आधे ब्लैक होंगे, तो 6, तो 6 अपॉन 52, तो 6 अपॉन 52। एच के बाद आई अ रेड कार्ड, तो 26 पत्ते ऐसे हैं जो रेड कार्ड है और 26 पत्ते ऐसे हैं जो ब्लैक है, तो 26 अपॉन 52, ठीक है। अ कार्ड ऑफ क्लब, क्लब कितने हैं? 13 पत्ते हैं ना, 13 अपॉन 52। A queen of diamond, एक ही कार्ड ऐसा है जो queen of diamond है, 1 अपॉन 52। ये सारे क्वेश्चन हो गए तुम्हारे रिलेटेड टू कार्ड, सारे सवाल। इसके अलावा कोई सवाल नहीं है जो आपका सवाल बने ऐसा, इसके अलावा और कोई सवाल हो भी नहीं सकता। हाँ, अब ये सवाल हो सकता है कि 52 पत्तों में से अब वेल शफल्ड कार्ड में से हमने एक कार्ड निकाला और अगर वो कार्ड स्पेड होता है तो उस कार्ड को वापस रख दिया जाता है, अगर वो स्पेड नहीं होता है तो उसको अलग कर दिया जाता है ना। तो प्रोबेबिलिटी निकाली कि आज स्पेड कार्ड की निकाला, तो प्रोबेबिलिटी निकली 13 अपॉन 52। अब लकीली वो स्पेड नहीं निकला तो क्या हुआ, उस कार्ड को हमने साइड में रख दिया। अब वेल शफल डेक ऑफ कार्ड में कितने कार्ड बचे? 51, और वो कार्ड कैसा था? स्पेड नहीं था। तो क्या क्या हो सकता है उस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, क्या क्या हो सकती है? या तो वो क्लब हो सकता है, या वो रेड कार्ड हो सकता है, या हार्ट हो सकता है, डायमंड हो सकता है, तो इन तीनों में से कोई एक पत्ता होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो कौन सा पत्ता है। ये सवाल बन सकता है, लेकिन ये सवाल आएगा ही नहीं,
मतलब ये एक लेवल आपका सवाल नहीं है, दो लेवल आपका सवाल बन सकता है, ठीक है। तो अभी जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस थे जो 10th क्लास के थे वो मैंने लिख दिए, फिर मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दे देता हूँ। पहले आप इन सारे सवालों को लिख लो और ये लिख लो कि भाई कितने होते हैं हमारे पास, ये पूरा सेटअप है, इस सेटअप को याद कर लो, घोट लो, दिमाग में लिख लो, और जिसने लिख लिया वो भी लिख लो, जिसने नहीं लिखा वो भी लिख लो फटाफट।